दोस्तों, अपनी तेज और ओजस्वी वाणी के जरिए विश्व भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अलग जगाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि व्यक्ति के उत्थान से देश का उत्थान होता है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम अपनी उन्नति पर ध्यान दें, देश की तरक्की तो अपने आप हो जाएगी। इसी नेक विचार से हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की और देखते हैं उनके जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका। नमस्कार बंधुओं, लगभग 150 वर्ष पूर्व ऐसा ही शिवमय एक पल था जब कलकत्ते के सिमोलिया मोहल्ले के सुविख्यात वकील श्री विश्वनाथ दत्त की धर्मपत्नी भुवनेश्वरी देवी ने देवादिदेव महादेव वीरेश्वर नाथ को स्मरण किया। हे शंकर, हे गंगाधर, हे असीम, हे प्रलयंकर, एक निष्ठ हो, सत्चरित्र हो, तेजस्वी हो, गौरव मंडित हो, ऐसा इस भक्तिन को पुत्र वर दो हे अभयंकर, पुत्र वर दो हे अभयंकर। Few minutes before sunrise on Monday 12th January 1863, on the day of Makar Sankranti, a boy drew his first breath when the air above the sacred river Hooghly, not far from his house, was reverberating with prayers, worship and sacred chants. Thus was born a legend, Vivek, एक अद्वैत गान। भुवनेश्वरी देवी ने यही एक स्वप्न में देखा था। तुषार धवल, कर्पूर गौर, कैलाशपति वीरेश्वर शिव शिशु रूप धर उनके सामने खड़े हैं और देखते ही देखते एक दिव्य ज्योत बन उनकी गोद में समा गए हैं। बच्चों में संस्कार माता पिता की सौंधी मिट्टी में ही गड़े जाते हैं। यही तो भुवनेश्वरी देवी की अपने उस बालक को देन थी। आगे चलकर विवेक ने भी कहा था, मुझमें जो ज्ञान का विकास हुआ है उसके लिए मैं अपनी माता का चिर ऋणी हूं। मेरे विदेश्वर, माँ तो यही नाम रखना चाहती थी पर बिले बिले प्यार से उन्हें इस नाम से ही पुकारा गया। कभी उनमें देख छवि उनके सन्यासी ठाकुर दादा की, उन्हें भी नाम दिया दुर्गादास। पर वो नाम जो प्रथम परिचय बना उस बालक का, वो था नरेंद्रनाथ। नरेन 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 लेकिन किसी विशाल वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब हम विस्मय विमुग्ध हो उसके विस्तृत आयतन की ओर देखते हैं, तब क्या हम सोच भी पाते हैं कि यह विराट वृक्ष कभी एक छोटे से बीज के भीतर था और ये बालक तो शिवांश था। A child prodigy,
He soaked in knowledge like a sapling eager to grow. His mischiefs knew no bounds, like a feather on a floe. His imagination soared like a seagull's perennial flight. He was a leader by destiny, without any show of might. His inner glow formed myriad rainbows with every passing season. Full of questions, eager to learn, just nothing escaped his reason. एक पल काना बन सखा संग रास रचाते, पल में ही बाल सुलभ समाधि ले, भोले शंकर वो बन जाते। एकाग्र चित्ता उनमें निहित थी, निर्भीक उनकी मनस्थिति थी। यीशु से उनके सजल सुखमयी नयन थे, वो सहस्त्रदल गौतम थे। आगे चलकर श्री राम कृष्ण ने ये भेद बताया था। जब मैं एक दिव्य शिशु बन ब्रह्मांड में घूम रहा था, देखा सामने ही सप्तऋषि का ध्यान मंडल सजा था। उनमें से एक ऋषि को आलिंगन कर मां धरती पर बुलाया था। देख नरेन को जान गया, ये वही तारों की छाह से आया था। दोस्तों, विवेकानंद और परमहंस का मिलना माने दो विचारधाराओं का मिलना था। परमहंस जैसे दिव्य महापुरुष के स्पर्श ने विवेकानंद के जीवन को बदल दिया। उन्होंने विवेकानंद को विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य उसे पा सकता है। ईश्वर के सर्वोच्च अनुभूति पाने में गुरु ने शिष्य का मार्गदर्शन किया। नमस्कार। तुम इतनी देर कर दी आने में, मुझे बहुत इंतजार कराया। मैं पहले आना चाहता था, पर मुझ में द्वंद रहा कि मुझे यहां आकर आपसे पूछना भी चाहिए कि नहीं। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है। मैं उन्हें ऐसे देख पा रहा हूँ जैसे कि तुम्हें, बल्कि अब और ज्यादा नजदीक से। मैं तो उनसे बात करता हूँ। तुम भी भगवान को देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, पर उनकी चिंता किसे है? इंसान तो वस्तु जगत के पीछे ही भागता है, पर कौन है ऐसा जो उसके इल्हाम को रोता है? अच्छा, मेरी काली की पूजा का समय हो रहा है। Thank you.
नहीं, ये आपने क्या किया? मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन हैं, मेरा घर बार है। मैं अभी अपने को नहीं घोल सकता। नहीं, नहीं। ठीक है, सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होगा। तुम खुद तय करोगे कि कब तुम्हें इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर एक नई दिशा का आह्वान करना है। गुरु ने तो शिष्य को पा लिया, पर शिष्य स्वाभिमानी था, वो परखता था, समझता था, फिर अमल करता था। गुरु ने भी यथा समय उसकी परीक्षाएं ली, अपने विस्तृत प्रेम आभा से उसे सींच मानवता की विभूति लगाई। शिष्य भी गुरु स्पर्श का मधुबन सा खिल उठा। उनका आदेश था, जन चेतना आंदोलित करो। अमेरिका जाने से पहले विवेकानंद जी जयपुर के पास एक रियासत में मेहमान थे। उनके स्वागत समारोह में वहां के राजा ने एक नर्तकी को बुलवाया, जिसके आने पर विवेकानंद जी रुष्ट होकर जाने लगे। नर्तकी ने दुखी होकर एक गीत गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धर्यो, जिसे सुनकर विवेकानंद जी ने मान लिया कि उस दिन उनके अंदर संन्यास का जन्म हुआ और उन्हें उस नर्तकी में माँ के दर्शन हुए। स्वामी जी, मैं तो धन्य हो गया कि आप मेरे राजाभिषेक के अवसर पर मुझसे मिलने आए। आखिर मैं कैसे नहीं आता अजीत सिंह, आप भी तो मेरे अपने हैं, मुझे तो आना ही हुआ। स्वामी जी, मेरी आपसे एक विनती है, या इसे आप एक ऐसे व्यक्ति का प्यार भी कह सकते हैं जो आपको सबसे अधिक चाहता है। कहिए तो सही महाराज। आप मुझे बेटा बुलाइए, जैसे आप मुझे पहले बुलाते थे। भले ही आज मैं खेतरी का राजा ही क्यों ना हूं, पर आपके लिए मैं आपका बेटा ही हूं। आपका ये शिष्य आपको एक उपहार देना चाहता है। आप कोई सांसारिक वस्तु तो लेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको सप्रेम एक नाम उपहार स्वरूप देना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद। स्वीकार? हाँ, स्वीकार है। स्वामी जी, बस मेरी एक प्रार्थना और है। आप आशीर्वाद स्वरूप मेरे इस सिंहासन पर विराजें कि जब मैं आपके बाद इस पर बैठूं तो मुझे सदैव न्याय का आभास रहे। स्वामी जी, मुझे बेहद खुशी है कि आपने अमेरिका के शहर शिकागो में आयोजित होने वाली विश्व धर्म महासभा में भाग लेने का निर्णय ले लिया है। अजीत, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संयोग है जब भारत की पराधीनता के पार जा एक महान आध्यात्मिक भूमि का इस विश्व को दोबारा साक्षात्कार कराना है। पराधीन देश के संसाधन होते हैं, देश के अनगिनत नागरिकों का नश्वर ये शरीर हो सकता है, पर शाश्वत असीम ये आत्मा नहीं।
महाराज क्षमा चाहती हूँ, आपके आदेशानुसार आयोजन हो चुका है। स्वामी जी, वैसे आपके मुख से मैंने कितने ही मधुर गीत सुने हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको खेत्री राज्य की सबसे उत्तम कला निधि के द्वारा गीत सुनवाऊं। अजीत सिंह, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं एक सन्यासी हूं। ऐसे काम आतुर भोग विलास मेरे लिए नहीं। मैं आपके मनोरंजन में व्यवधान नहीं डालना चाहता। आप अपनी सभा का आनंद उठाइए, मैं चलता हूं, बाद में फिर आ जाऊंगा। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरु, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरु, समदर्शी क्षमा कर दीजिए। आपको ये समाज हीन भावना से देखता है, शायद मैं भी अपने विवेक को भूल बैठा। नाम तो स्वीकार कर लिया विवेकानंद, पर उसे सार्थक न कर पाया। पर ब्रह्म सर्वव्यापी है, इसके समक्ष सही या गलत कुछ भी नहीं, शुद्ध या अशुद्ध का कोई अंतर नहीं। एक सन्यासी को इसी ब्रह्म को साक्षी मान अपना कर्म करना है, ना कि किसी एक का पक्ष ले निर्णय लेना है। माता, मुझे ऐसी ही सद्बुद्धि मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। कृतज्ञ करो मां, कृतज्ञ करो। प्रभु, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं।
The stage was set. Hall of Columbus, Parliament of Religions, Chicago, September 11, 1893. Swami Vivekananda from India. नरेन, याद रहे किसी भी धर्म को ठुकराना नहीं, सब रास्ते अंततः भगवान को ही जाते हैं। जैसे एक महल में प्रवेश के कई द्वार होते हैं, सब अपना द्वार चुनते हैं, कोई पीछे का द्वार लेता है। तुम वो ना लो, अपना द्वार चुनो, तुम अपनी राह बनाओ, सबका स्वागत करो, विश्व प्रेमी बनो नरेन। ये समस्त संसार तुम्हारा है और सब तुम्हारे अपने, सब तुम्हारे अपने। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I'm proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn. As the different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. The different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention is in itself a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Convention be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons bending their way to the same goal. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था, यदि आप भारत के बारे में जानना चाहते हैं, तो विवेकानंद को पढ़िए। उसमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमें ईमेल कीजिएगा अपने सजेशंस kids_island@yahoo.com। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। Thank you.